आपसे मानते हुए संकल्प लेता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा, मेरे गांव को मेरा तीर्थ बनाऊंगा, गरीबों की सहायता करूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार और जिला सरकार जितनी भी योजनाएं हैं जो पात्र हितग्राही हैं उनको घर जाकर उनके घर बैठे वो योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए, वो हमेशा कमल की तरह खिलते रहे और मैं भी हमेशा कमल खिलाता रहूंगा। बोलो भारत माता की। और मैं भी आपको संकल्प रहा कि मैं आपके साथ घंटे से घंटा मिलाकर काम करूंगा। आप मेरे छोटे भाई बहन है या मुझसे बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई बहन है, पिता पापा तो मेरे माता पिता है, मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके साथी के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। अपने गाँव का सर्वांगीण विकास करके हरदा जिले को हिंदुस्तानी विश्व का नंबर एक जिला बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी भैया सुनो, क्योंकि कल रात को बनने से रात को मैंने 12 बजे उसको फोन किया मतलब पूछने का कि सबके बनाना है, लोगों लिखना शुरू किया तो भी कम बने हैं, कल सुबह तक बन जाएंगे सभी सरपंच अपने अपने गांव के जिले, उसमें सरपंच और सचिव के नाम लिए नहीं हो तो दे देना मतलब को, मतलब है क्या अंशुभ राजपूत जी जिले के कथन अपनी मिलता है या सम्मान करेंगे मंत्री जी। आज 4 बजे आचार यही हमारे है भूमि पूजन कर रहे, अपने अपने गांव में ले जाके भक्त लगा देना और उसमें आपके आचार संहिता पालन नहीं आएगी, आपके खाते में राशि आएगी, आप निर्माण शुरू कर देना और चुनाव के फेरे बनाकर ये प्रांत सभा करना। और अब ईमानदारी बताओ, कांग्रेस को एक भी वोट मांगने का अधिकार है क्या? गांव वाले एक भी वोट देंगे क्या? तो मेरी आप हो, चुनाव हमने लड़े, चुनाव कौन लड़े? आप लोगों ने देश के विकास के लिए, क्षेत्र के गांव के विकास के लिए, इसलिए पूरे गांव के एक तरफा कमल खिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सुनो अपने अपने स्थान पर बैठे के भरी भोजन व्यवस्था और हमला जिले के पहला अपनी वीर तो सीमा के ऊपर सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देने के लिए 4-6 महीने की ट्रेनिंग लेके आया है। क्या नाम बेटा? देखो मेरे मेरी आत्मा कानो मेरे बाबा देश का निकट स्थान पे बैठे हैं, वहीं पर भोजन आ रहा है।
जोरदार तालियों के साथ।